दोस्तों, पिछला जो आपने वीडियो देखा था उसके बाद में हम लोग इसी गांव में ठहर गए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रेवालसर के नज़दीक ऊंची पहाड़ी पर बसे सरकीधार गांव में। यहीं पर एक घर के अंदर हम लोग रुके और आज इस वीडियो में हम यहीं का जीवन दिखा रहे हैं। सर घाट, इस गांव का क्या नाम बताएं? सरकीधार सर आ जाओ, आप यहीं पे आ जाओ। तो दोस्तों, हम सरकीधार गांव के अंदर हैं। हमारे साथ हैं भाई साहब ऋतुराज। हेलो, गुड इवनिंग। और इनका जो घर है इस लेक के एकदम सामने, ये जो आप देख रहे हैं एकदम लेक के सामने घर है। ना भी नहीं करते, कोई भी तोड़ के खा सकता है। कोई भी तोड़ के खा सकता है। पूरे गांव में हमारे बहुत ज्यादा ऐसे बगीचे हैं इनके, कोई हाँ। भी कहीं से भी लेके खा सकता है। जो हमारे अपनी भैंसे वगैरह हमने उनके लिए भी इसको हम देते हैं, ताकि जो दूध वगैरह उसमें। अच्छा, ये नाशपाती भैंसों को देते हैं आप? को भी देते हैं, मतलब इसका बहुत सारे पर्पस यूज करते हैं हम। आदमी सब्जी भी खाते हैं अपनी बना के, हाँ। और इसको उनको भी दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हेल्थी और बहुत अच्छी चीज है ना। ये है, इसमें खाद नहीं लगी होती है। अच्छा, ये नेचुरल है। अगर इन ये उबाल के देते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, तो सीधा ये ऐसे खा देते हैं। अच्छा, इसमें और मिलाना, जैसे उनके लिए वो आटा, चोकर और फीट फीट सब। इस पूरे सेट को आप क्या बोलते हैं? हम लोग बांटा बोलते हैं, चाटा बांटा। धुआनी धुआनी बोलते हैं। तो अभी आप ये धुआनी के अंदर ये दे रहे हो नाशपाती? धुआनी में इसमें, क्योंकि इससे दूध जो है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है। अच्छा, ये ठंडा भी होता है और ऐसा फल है कि जिसको खाद नहीं लगी तो दूध में वो पॉजिटिविटी आती है। चलिए ठीक है, ये सुबह अब दे दिया क्या? अब का आपको दे दिया? अब दूध भी निकाल लिया, दे दिया। चलो ठीक 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 सुबह देंगे। और आपके जैसे कितनी भैंस है? भैंसे हमारे पास पांच बड़ी है, एक छोटा इसका बच्चा, छह। तो हमारे भी दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, इनके खुद की भैंस है तो दूध फिर यहीं पे मिल जाता है। जो आपके यहाँ पे ठहरता है उसको दूध खाने में, चाहे जो भी है, हम अपना दूध, दही, मक्खन, घी, सब जो सब घर का देसी। ऑर्गेनिक, ये जो देख रहे हैं आप, मक्की आपके खेत, हाँ हाँ, ये हमारे अपने खेत है। जो है मक्की हम खुद तैयार करते हैं, कद्दू है। ये आपने लगाई है? ये हमने लगाई है। और यहाँ पे हमारे पास सारी सब्जियां अवेलेबल होती है, जैसे कोई भी आदमी आके खा सकता है। आप दुकान से सब्जी कितनी बार लाते हो महीने में? सर हम दुकान से रेयरली हम सब्जी नहीं लाते, मैक्सिमम हमने अपनी खुद की उगाई होती है अपने खेतों में। ये देख रहे हो, ये भी है, इसको आपने कल खाया भी था शायद, पत्रोड़ू। हाँ, कुछ खाया था, पत्ते का ही था। और ये जो है खीरा है, ऑर्गेनिक, ये हमने खुद उगाया है। बिकता है, क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं वैसे तो इसको, गलगल नाम से। नहीं, अभी खा सकते हैं इसको? नहीं, अभी कच्चा है। अच्छा, ये कच्चे हैं सारे? दिखने में नींबू या मौसमी जैसे लग रहे हैं। मौसमी वो नीचे, वो उसको दिखाएंगे। ये आड़ू का पेड़, इसके आड़ू भी लगते हैं? हाँ, जो जितने आते हैं उनको हम खुद ऐसे प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद ये सब्जियों की, ये राजमा है अपने उगाए हुए, जिनकी दाल बनती है। कौन सा वाला इनमें से राजमा? ये वाली जो दिख रहे हो, बेल होती है राजमा, बेल होती है, इसमें फलियां लगेगी और वो राजमा होगी। अच्छा, ये मिर्च, ये करेले का वो है, ये भी बेल जाएगी ऊपर को, इसमें करेले लगेंगे। ये भिंडी है यहाँ पे। अच्छा, हाँ भिंडी फिंगर। मैक्सिमम सब्जियां हम अपने खेत से निकालते हैं। और तोरी, तोरी तोरी लगती है, वो भी छोटी है, कच्ची है, पर इसमें बहुत ज्यादा मौसम। ये नींबू है, मौसमी है? ये मौसम में है। अच्छा, ये मौसमी है नींबू, और ये वाली चीज नींबू है। अच्छा, दोनों पेड़ साथ में, इनका पता नहीं लगता है। इसको कोदरा बोलते हैं, कोदरा, कोदरा। और ये एक ऐसी दवा है जो शुगर नहीं होता, शुगर की दवा है। आजकल सबसे पहले हमारे पूर्वज जो ऐसी का प्रयोग करते थे, और इसमें औषधि है, एक तरह से औषधि है। अच्छा। ये इससे शुगर नहीं होता, तब उन लोगों को शुगर नहीं हुआ करता था। अच्छा। जो आज हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इसको खाया जाता, वो नेचुरल सारी चीजें खाते रहते थे, बस ये चीजें थी मेन। और ये हमने यहाँ लगाया हुआ है। कुछ इसका खाते कैसे, अनाज है क्या ये? रोटी बना के खा सकते हैं? जैसे गेहूं से आटा निकालते हैं, मक्की से अपना इसका आटा निकलता है, वैसे ही ये भी जब पकेगी तो इसको मशीन में डालेंगे, इसका आटा निकलेगा, और उससे जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटी चपाती या कुछ भी, तो सेम प्रोसीजर में वैसे ही इसकी रोटी बनेगी। किसकी? इसी की। ये जोरदार चीज है यार, इतनी सारी नई नई देखी है मैंने। ये निकल रहा है, ये इसके दाने, ये दाने हैं, ये दाने, ये इनमें से निकलेगा। तो ये मार्केट में बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगा है।
ये तो 250 मिल ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट ही नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें बड़ी लेबर लगती है। जैसे सबसे पहले ये पौधा लगाया, पौधा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ऐसे इसके ऊपर ये लगते हैं। अच्छा, फिर इनमें से निकालनी पड़ती है। हाँ। इनमें से ऐसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे। आप सब चीज हाथों से निकालते हो, ट्रैक्टर थ्रेसर जरूरत पड़ती है कभी? वो बड़ी लार्ज इन चीजों के ऊपर नहीं करते, ये जो मक्के के लिए, मक्की और गेहूं जो हमारे होती है उनके लिए, उनके लिए होती है। बाकी इनको ऐसे निकाल करके सुखो करके फिर इसका आटा तैयार करते हैं, फिर उससे रोटी बनाई जाती है, परांठे भी बनाए जाते हैं और रोटी भी बनाई जाती है। और इसकी रोटी में खासियत यह है कि अगर एक रोटी बना दी जाए तो कम से कम 20 साल के बाद उसी रोटी को गर्म करके खा सकते हैं, खराब नहीं होती, फंगस भी नहीं लगती, फंगस भी नहीं लगती। हाँ, इसकी एक कहावत अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं कि हमारी रोटी जो है वो कोदरे की, हमारी दोस्ती, सॉरी रोटी नहीं, हमारी दोस्ती कोदरे की रोटी की तरह होनी चाहिए। अच्छा, जब मी मिले तो गर्म की तो खा लें। अच्छा, तो दोस्ती वैसी होनी चाहिए, जब मिले तो दोस्ती जो है कोदरे, कोदरे की रोटी, ये कोदरा है, कोदरा है, और इसको मंडल के रूप में कहा जाता था। तो ये उस समय की एक कहावत है कि हमारी दोस्ती कोदरे की तरह होनी, कोदरे की तरह होनी चाहिए, जब भी उसको गर्म किया वो ताजी बन जाती है। अच्छा, तो 20 साल या उससे भी ज्यादा ज्यादा। और इसकी जो ये जो है बीज, ये 100-100 साल, 150-150 साल तक चलते। अच्छा, खराब नहीं होता है ना, इसको कोई कीड़ा खाता है ना कोई ये खराब होता है। तो इसकी जब इतनी विशेषता है तब इसको तैयार करते हैं। अच्छा, और विशेष तौर पर हम अपने लिए प्रयोग करते हैं ताकि शुगर और ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। और ये जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम, इसमें से कुछ बेच देते हैं। अच्छा, बेच भी देते हैं? बेच देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो तो। हाँ, एक्स्ट्रा, और कुछ अपने लिए। जैसे आज पिछले साल की जो गेहूं है वो अभी भी हमारे इसमें पड़ी हुई, अच्छा, स्टोर में पड़ी हुई, और उसी की रोटी हम खिलाते हैं। अच्छा, जो हमारे कस्टमर आते हैं उसके लिए, ताकि और चीजें तो हर जगह मिलती है लेकिन अपनी चीज को अगर खाया जाए तो उसमें गंध भी कुछ और होती है और पौष्टिकता भी कुछ और होती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। सही। अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, जैसे मिट्टी का तेल या पेट्रोल फेंकते हैं जल्दी आग लगती है, उसका काम करते हैं ये। अच्छा, ये मतलब जल्दी से जल जाती है? ऐसे ही पेड़ से निकाली हुई है, बट इसका जो है वो पेड़ के अंदर वाली जगह में ये चीज होती है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं जगणू, जैसे कई बार पुराने जमाने में। अच्छा, जगणू मतलब इससे जल जाती है? आप मार्चिस की तीली लो, कुछ भी लो, इसको आप ऐसे करो और ये एकदम से जल जाते हैं। अच्छा, ये है मतलब पहाड़ों में आग जलाने का? यस, जो बेस्ट तरीका है, जो जल्दी आग जल जाती है वो ये वाली चीज है, इसको आप एकदम से जला सकते हो। मतलब माचिस की तिल्ली की तरह जल जाती है? किस ये देखो, ये सेम है पर ये पेड़ के अंदर वाली इसमें पाई जाती है। इससे जैसे कई बार आग जलानी होती है, हमारे पास तेल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो माचिस लेके इसको एकदम से जलाते इसके ऐसे माचिस जला के इसको आग लगा सकते हैं आराम से, एकदम से आग जलाएगा मतलब। अच्छा, ये है किस चीज की लकड़ी? ये है चील की लकड़ी, चील की है, अंदर का पार्ट। हाँ, अंदर में होता है, साइड में होता है। शाम का खाना अभी हम लोग खा रहे हैं, लाइट चली गई, सौर ऊर्जा से थोड़ी सी है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। लाइट नहीं है, अंधेरा है गांव में, लाइट ऐसी चली जाती है कभी कभी। ये क्या चीज है आंटी जी? वैसे जंगली मशरूम, जंगली मशरूम, ब्लैक मशरूम भी कह सकते हैं इसको। ये आपके खेतों में हो जाती है यहाँ पहाड़ों पे आसपास? नहीं, ये जंगलों में होती है। सिर्फ जंगलों में ही होती है? तो आप कहाँ से ले गए? जंगलों से? जंगलों से। अभी इस जंगली मशरूम की आप सब्जी बनाओगे? सब्जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इससे पहले एक बार खाई थी मुझे, तो मशरूम की वो अलग ही टेस्ट लगा था। कैंसर के लिए? अगर मम्मी ने पूछा ऐसा सब्जी बना सा, इसी सब्जी बना सा। हाँ, मम्मी ने पूछा, मम्मी इसी सब्जी बनानी है या कैसा? बहुत मेहनत लगती है इसको धोने में, सुबह से वॉश कर रहे हैं इसको। अच्छा, वैसे पता तो आपको हम कल ही बना रहे थे, लेकिन ड्यू टू रात को लाइट का थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हमने शाम को दूसरी बनाई थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जितने इसके बेनिफिट है उतना ही ज्यादा इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। सुबह इसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये जंगल में होती है और इसमें कोई ऐसा नहीं रह जाए चीज जिससे कोई जो छोटा मोटा कीड़ा या कुछ कीड़ा। इसलिए इसको बड़े ढंग से धोना पड़ता है, पहले गर्म पानी में, फिर उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना पड़ता है इसको।
जितना जो मीट वगैरह नॉन वेज जितना बंदे पसंद करते हैं, जो नॉन वेज वाले होते हैं वैसे ही सेम, जो वेजिटेरियन बंदे सेम वैसे ही है। बहुत दुर्लभ चीज है, इसकी मीट के जैसी आती है, इसका कलर भी बिल्कुल वैसी ही बनी है, मतलब रेड टाइप कलर की है, वेज लेकिन नॉन वेज जैसी वेज है, लेकिन टेस्ट और उसका सेम वैसे तरह। बहुत मुश्किल से मिलती है, हमने भी नहीं लाई थी कल, हमारे मैंने बताया भी था आपको, जो दादी है वो बकरियां चराती हैं, उनके पास बकरियां हैं और जंगल में जाते हैं। अच्छा, जो बकरी चराते हैं वो ही लेके आते हैं। बहुत दुर्लभ होती है इसमें, अब हम थोड़ी जिसमें जंगल में ढूंढना हमें तो पता भी नहीं, हम नई जनरेशन के हिसाब से कोई हवा ना लगे भाई, नहीं मतलब पत्थर रखना उसके ऊपर ऐसे जला देना इसको, फिर इसके ऐसे चारों ओर बैठ जाना सभी बच्चों। अच्छा, लिखना होगा तो आपने ऐसी पढ़ाई की है बचपन में? अच्छा, इसी के सारे तो ये बड़े इम्पोर्टेंट। ये कितनी देर तक जल सकता है जो आपके हाथ में है? ये तो कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट चल, 4-5 इकट्ठा करके उसको बीच में रखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लैकनेस ज्यादा होती है ना, कार्बन ज्यादा होती है, ऐसे ब्लैक हो जाते थे पुराने घर पहले। अच्छा, अब जो है लोग बड़ी साफ सफाई में रहना चाहते हैं तो ऐसे ब्लैक घरों से नफरत करते हैं। मशरूम जिसकी अब हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसा इसको पौधा कहें या जीव कहें, इसमें सीडिंग नहीं होती है, ये बिना बीज के पैदा हुआ है। अच्छा, बीज नहीं होता इस? बीज नहीं है इसका, ये स्पेशल एक विशेष स्थान पर होता है, हर जगह नहीं मिलता है इसके, ये अपने पर्यावरण के अनुसार पैदा होता है, कुछ बस नहीं, अपने आप ही लग जाता है। इसीलिए कैंसर के लिए सबसे उपयोगी जो है ये, इसको दवा माना जाता है। और इसकी एक प्रजाति और है जो ये सीजन के अनुसार होती है, बरसात में होती है और वो होती है अप्रैल मई में, तो उसकी कॉस्ट तो 50-60 हजार रुपए किलो के हिसाब से वो बिक रहा है। लेकिन इसके बारे में अभी रिसर्च, मतलब लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि ये भी ऐसी चीज है, ये केवल स्थानीय लोग ही जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, कि कितना उपयोगी चीज है। मेथी, धनिया और मिर्ची पाउडर। अच्छा, ये तो लाल मिर्ची साबुत डाल रहे हो ना आप? ये भी अपनी है ना, कभी पीसी हुई मिर्ची नहीं डालते आप? पीसी हुई नहीं डालते हमने, कभी नहीं डालते, ये लोकल है ना। अच्छा, क्योंकि टेस्ट अनुसार होता है ना, वो सभी में होती है मिर्ची। अच्छा, कम खाते हैं कहीं, अगर जिसको अच्छा लगे वो उस मिर्च को कर जाता है। और इसमें जीरा, अच्छा, प्याज, लहसुन, ये सब तड़के में डालोगे? ये चीज पहली बार सुनी है मैंने कि लाल मिर्ची पाउडर डालते ही नहीं है सब्जी में, हमारे यहाँ नहीं चलता। अच्छा, आप तो वहाँ ज्यादा खाते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये नहीं सही, तो ये ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, ये स्वाद अनुसार होती है ना, पेट में जिसको नहीं खानी होती वो निकाल भी सकते, वो निकाल के साइड में रख देता है, ये नहीं इसका प्रयोग करते हैं, वो कर मिक्स करके खा लेते हैं। इसलिए कई छोटे बार छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए वो खाना मुश्किल है। हां, प्याज पाना है भाई, होगा तो देखिए, लहसुन और प्याज दोनों डाल दिए? अभी प्याज डालना है। अच्छा, प्याज डालते हैं वैसे तो ना, वो मसाला डाला है शायद, मसाला प्याज लहसुन। ये क्या डाला आंटी जी आपने? ये हींग, हींग पाउडर और बाकी सारे मसाले, मसाले और हल्दी। अच्छा, मसाला तैयार होने के बाद बस
ये तो पकने में जल्दी पक जाती होगी ना? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। बहुत ज्यादा टाइम लेती है। नमक ये देखने में ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल ये नॉर्मल है, लेकिन बड़ा टाइम लेती है। अच्छा, नमक बस सारे मसाले हो गए? सारे हो गए। नमक पादन अब इसको कितनी देर पकाएंगे? 15-20 मिनट, आधा घंटा भी। लेकिन पकाना धीमे आंच पर है क्या? धीमी आंच। अच्छा, आपने बनाया है या? नहीं बनाया है, खुद ने घर पे। क्या क्या चीज डाली है इसमें? इसमें आटा, मोटा सा आटा, गेहूं का, और देसी घी। देसी घी, मेथी, मिर्थे छोटी होती है और वो मोटी होती है। मिर्चे जो दाने होते हैं वही तो? हाँ, वायुपन उससे खत्म होता है। अच्छा, और उसके बाद हल्दी। अगर मान लो इन्फेक्शन किसी पशु में आने को तो ये तो, दूध ज्यादा देने के लिए देते हैं क्या? ना ना, इन्फेक्शन दूर करने के, पेट का, पेट। अच्छा, इन्फेक्शन ना पेट का या यूरिनल का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए पशु में तो उसके लिए देते हैं। अच्छा, गाय भैंस को भी देसी तरीके से ठीक करते हैं? हाँ, देसी तरीके से। हमारा कोई अंग्रेजी गोलियां नहीं देते, नहीं गोलियां नहीं देते हैं। और इसमें हमने एक डाली होती है सौंफ, कड़वी सौंफ। अच्छा, जो कि हमारे खेतों में होती है और उसका जो टेस्ट है किसी प्रकार जैसे लूज मोशन या कुछ होता है उसी का प्रयोग करते हैं। ये देखो आप खा करके देखिए इसको। ये सौंफ है? ये सौंफ, ऐसी सौंफ मैंने आज पहली बार देखी। कड़वी सौंफ होती है। अच्छा, वो मीठी सौंफ होती है। तो ये भी काम वैसे ही करती है जैसे वो डाइजेस्टिव खाने के बाद में खाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही होती है खाने के बाद? उससे पहले अगर मान लो लूज मोशन है किसी को या पेट में दर्द है तो क्या करते हैं उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इसको तवे के ऊपर गर्म कर लेते हैं। हाँ। और जब ये थोड़ी ब्लैक जैसी हो जाती है तो उसमें चीनी डाल करके खा जाते हैं गर्म पानी से, और किसी प्रकार का लूज मोशन या पेट में दर्द हो खत्म। कितनी खाते हैं? इतनी क्या? नहीं नहीं, ज्यादा खाते हैं, थोड़ी ज्यादा। ये कड़वी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पेट में दिक्कत है, मैं खाने वाला हूँ अभी तो खाओ, लेकिन वो गर्म करनी पड़ेगी ना तवे पर। ऐसे खा लो, कुछ नहीं खा सकते हैं तो कड़वी। अच्छा, खा करके देखिए अगर आप खा सकते हैं तो। कड़वी होती है ना थोड़ी, तो बोलते हैं उसको कड़वी सौंफ। ज्यादा कड़वी नहीं है लेकिन उस सौंफ से कड़वी है। हाँ, मुझे ज्यादा कड़वी नहीं होगी। कईयों को होती है ना, अपना अपना टेस्ट के अनुसार होती है। कई जो है खा सकते हैं, कई नहीं खा सकते हैं। तो वो जो नहीं खा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बूढ़ों को मिल जाते हैं तो उनको क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे तवे के ऊपर रख करके थोड़ा सा इसको ब्लैकनेस ला लेते हैं और उतनी चीनी मिला करके दर्द बच्चा ऐसा सोचे कि मीठी है। अच्छा, तब वो बड़े चाव के साथ खाता है और टेस्ट थोड़ा सा अलग है ना सर, क्योंकि जो हमारी ये अपनी दवाई होती है ना ये टाइम लेती है। अंग्रेजी दवाई खाई नहीं की असर हो जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम पशुओं को जो दे रहे हैं उसमें भी। ये गाय भैंस को देते हो? गाय भैंस को भी देते हैं, आप खुद भी खा लेते हैं। तो गाय भैंस के लिए हमने तैयार किया, अगर इन्फेक्शन हो अंदर तो उसके लिए भी ठीक होती है। पेट दर्द जो बायलापन होता है, जैसे हम घास जो है खेतों के बीच में से निकालते हैं तो वो थोड़ा वायु करता है जैसे, तो उसको कंट्रोल करती है ये चीज़। अच्छा, तो बीच बीच में हम देते रहते हैं। तो ऐसा आटे का ये सब मिला के पिंड बना के आप देते हो? हाँ, शाम के टाइम देते हैं जब पशु घास खा कर बैठता है और गुजार करता है उस समय दी जाती है, गुजार में बार बार आया और वो बढ़िया ढंग से उसको लग सकता है। अभी बन गई आंटी सब्जी? बस ये तैयार हो गई। इसको आधा घंटा तक पकाया है और अभी एकदम तैयार हो गई। कितनी सूख रही है, कितनी कम हो गई पहले कितने ज्यादा थे। अच्छा, चावल भी होते हैं यहाँ पे? गेहूँ चावल मक्का, गेहूँ चावल मक्का, मसाले मसाले भी यही होते हैं। हाँ, धनिया मेथी, ये जो आपको सौंफ दिखाई। हाँ, वो
मतलब कुछ रेयर चीजें हैं वो जो मार्केट से लाते हैं। हाँ कुछ बाकी सब आपके खेत में ही होती है। बाकी सब खेत में आजकल तो मक्की का सीजन है, मक्की तो इतनी लगी हुई है। हाँ मक्की तो जोरदार खड़ी है अभी खेतों में। मेरे को ये चिमनी का डिजाइन इनका बहुत ही अच्छा लगा, इनके अंदर धुआं बिल्कुल भी नहीं आता है, पूरा बाहर निकल जाता है इस चिमनी से। ये जो होमस्टे है हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी है और घर में खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो चूल्हे का खाना और एकदम रहने का लाइट पानी सब सुविधा है। नमक ठीक है, सब्जी को टेस्ट बता कैसे लग रही है? अच्छी है, नमक थोड़ा सा तेज लग रहा है। तेज हो गया? हाँ कम, ज्यादा था ना इसका फ्लो। आज पहली बार हुआ होगा, उल्टा वैसे तो हम कम का डालते हैं। ये लो दूसरी। हाँ नमक आप कम ही खाते हो वैसे? हम नहीं खाते हैं ना, रोटियों में भी नहीं डालते, हमारी रोटियों में नमक डालते हैं। रोटी बिना नमक के बनाते हैं हमेशा, और अगर हमारे बिना नमक की रोटी बना रोटी बनाते हैं तो ऐसे बोलते हैं अलूनी रोटी। अलूनी हमारे भी बोलते हैं, अलूना मतलब ज्यादा होना चाहिए, पर हम पहले से कम खाते हैं। तो ठीक है, स्वाद है, स्वाद होती है बिल्कुल ही है, तो आज हम लोग खा रहे हैं जंगली मशरूम। सब्जी मशरूम की पहले खा पूरी बात बताऊंगा, अब वन बादन मां हम खाने में तो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो ये मशरूम है। अब तक ध्यान कोई नहीं होगा क्या, जंगली मशरूम है, इसका टेस्ट थोड़ा सा नॉनवेज की तरह होता है। हाँ ऐसा बोलते हैं पर हमने तो पता नहीं क्या है। अब देखो अच्छा, जो खाते हैं वो बोलते हैं जब कितना था ना ये बस ये रिड्यूस हो गया ऐसा लगता है, वैसे इसकी शक्ल भी ऐसी होती है। अच्छा इसका पानी खत्म हो गया पूरा? बिल्कुल ना। पानी डला ही नहीं सब्जी में, बिल्कुल भी पानी नहीं डालते। पानी में